नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, हाल ही में दोस्तों RS मेंस का पेपर हुआ है और 26 जून 2019 को जो शाम की पारी में पेपर हुआ था, पेपर नंबर 4 जो था जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तो नीचे कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा रहा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों आप चर्चा करते हैं हिंदी के पेपर के बारे में। तो हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी का है ये। टोटल इसमें 200 नंबर का था ये और इसमें 65 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें पार्ट ए है ये 50 नंबर का है, तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें दे रखा है नोट सभी प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच पाए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जैसे हमारे RS के आगे जितने भी जानकारी आएगी या जितने भी पुराने पेपर हैं वो सारे हम अपलोड करेंगे, सारे आप तक पहुँच सकें। तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। तो एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो संधि किसकी करनी है, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु की आपको संधि करनी है। दूसरा है उत्त जोड़ श्वास उच्छ्वास, उत्त जोड़ श्वास की संधि आपको करनी है। नेक्स्ट है प्रति जोड़ स्थित, गे जोड़ अन्य, तो इन चारों की आपको संधि करनी है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा मैं, आंसर आपको स्वयं ही करने होंगे। क्वेश्चन है, इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तद्रूप, चतुष्पद, मध्यवरी, ममेतर, तो इन शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना होता है। मेरा मकसद दोस्तों ये कि आप सभी पेपर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं, आंसर आपको अपने आप ही करने होंगे। क्वेश्चन है, निम्नांकित की संधि कीजिए। देवी जोड़ ऐश्वर्य, मात्र जोड़ आज्ञा, निर जोड़ रव, मृद जोड़ मय। नेक्स्ट है, इन उपसर्गों के संयोग से 2 शब्द बनाइए। तो ये 2 उपसर्ग दे रखे हैं, दर और परा, तो इनके संयोग से आपको 2 शब्द बनाने हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित शब्दों में से उपसर्ग पृथक कीजिए। तो ये दरका प्रत्यक्ष, विकसक, अनुपजाऊ और व्यंजित, इनमें से आपको उपसर्ग को अलग करना था। अगला जो क्वेश्चन आया था वह आया था दोस्तों, इन प्रत्ययों के संयोग से 2 शब्द बनाइए। तो ये और नाग, इनके संयोग से 2 शब्द आपको बनाने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। शब्द हैं सादी, कारक, गनेरा एवं सोष्ठव, तो इनसे आपको क्या भिन्न करना है, इनसे दोस्तों आपको प्रत्यय भिन्न करना है। अगला जो क्वेश्चन था वह था, इन शब्दों के विलोम लिखिए। तृष्णा, अभिज्ञ, सायास और सुकुर का आपको विलोम शब्द लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अदेतन, आदृत, अंतरंग और स्थे, इनके आपको विलोम शब्द लिखने थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है, दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो परोक्ष और कूट का आपको 2 पर्यायवाची लिखने हैं। इन शब्दों के 2 पर्यायवाची अरण्य और पुरुषार्थ के भी आपको 2 पर्यायवाची लिखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ भेद दोस्तों वर्ण एवं वर्ण, अज्ञ और अज्ञ, इनका आपको शब्द युग्मों में अर्थ भेद स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है, अर्थभेद आपको इसमें भी स्पष्ट करना है, ये है अपत्य और अपत्थे, साम और साम, इनका आपको अर्थभेद स्पष्ट करना होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, निम्नांकित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। सेवा या टहल करने की इच्छा रखने वाला पहला है, दूसरा है चोरी छिपे माल ले जाने वाला, तो इनका आपको जो सार्थक शब्द है वाक्यांश के लिए 1 शब्द है वह आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखना है। वाक्यांश है, जिसे पार करना कठिन हो। दूसरा है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, यह है दूसरा कथन। नेक्स्ट है, निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध रूप लिखिए। तो शुद्ध रूप आपको इन वाक्यों के लिखने हैं। तो वाक्य दिया गया दोस्तों, उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंख में आंसू भर आए। सेकेंड है, यह स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है। अगला है, इन वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। वाक्य है, वह प्राय बार बार मुझसे मिलने आता है। दूसरा है, बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों, निम्नांकित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो मल, युद्ध और महातम्य, कृत्य, कृत्य
और अंतर द्वंद्व, इनके आपको शुद्ध रूप लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों के आपको शुद्ध रूप इसमें लिखने हैं, यह है अनुसंगिक, पुनरावलोकन, तंदुरुस्त और स्थायित्व, इनके आपको शुद्ध रूप आपको लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वह था दोस्तों इन मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे हैं आंखों में चर्बी छाना और हाथों के तोते उड़ना, इनके आपको वाक्य में प्रयोग करके बताना था। अगला जो क्वेश्चन था यह था निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए, नाक पर बाल होना या पानी पीकर कोसना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वह है दोस्तों निम्नांकित लोकोक्ति का भावार्थ लिखिए। तो यह है दोस्तों तेल देखो तेल की धार देखो, दूसरा है नकार खाने में तूती की आवाज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों निम्नांकित लोकोक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो वाक्य है मुद्दतई सुस्त गवाह चुस्त, सूत न कपास जुलाहे को लठ में लट्ठा, इनके आपको भावार्थ लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है निम्नांकित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी परिभाषिक लिखिए। तो यह है डी ई टी ई एन यू डिटेनू और एस टी ए टी यू टी ओ आर वाई स्टेटरी, इसकी आपको हिंदी में सार्थक शब्द जो है वह लिखने हैं। नेक्स्ट जो है वह दोस्तों निम्नांकित परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी परिभाषिक शब्द लिखिए, कटमोशन और सरप्रेस शेड के आपको जो अर्थ हैं वह लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह पार्ट बी आ गया, ये भी दोस्तों 50 नंबर का है पार्ट बी भी। इसमें जो पहला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक देते हुए लगभग एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तकरण कीजिए। तो एक तिहाई शब्दों में आपको संक्षिप्तकरण करना है तो इसका शीर्षक देंगे, शीर्षक दो नंबर का है था जो संक्षिप्तकरण है वह 8 नंबर का हो गया, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो अवतरण पढ़ते हैं जीवन ज्ञात और अज्ञात मिश्रण है, इन दोनों में से एक भी कम हो जाए तो जीवन अधूरा हो जाएगा। हमारा एक हिस्सा है जो निश्चित राय रखता है, एक अन्य हिस्सा हमसे अज्ञात का पता लगाने के लिए उकसाता है। दोस्तों बुद्धिमान वही है जो अनिश्चितता का सामना करने और उसमें से उत्तम अवसर पैदा करने की कुशलता विकसित कर लेता है। तो आश्चर्य किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने की अंतहीन संभावना उत्पन्न कर देता है। हम जितना अधिक जानते हैं उतना ही अधिक अज्ञात के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। आश्चर्य किसी पुरानी बात के लिए नहीं होता है, पक्की राय उसके लिए हो सकती है जो नया नहीं है। जो व्यक्ति केवल आश्चर्यचकित रहता है वह भ्रमित रहता है, और जो सब बातों के प्रति पूर्ण रूप से निश्चित होता है वह निष्क्रिय और सुस्ती हो जाता है। तो ये था इसका संक्षिप्तीकरण आपको लिखना था, इसका शीर्षक आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन जो है वह दोस्तों निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार कीजिए, सब सीमा लगभग 100 शब्दों में है। तो असफलताएं सफलताओं का आधार स्तंभ है, इसका आपको भाव विस्तार आपको लिखना था। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं यह क्वेश्चन है दोस्तों कि आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय नोखा को 2017-18 में महाविद्यालय में संपन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए एक अनुस्मारक लिखिए। तो ये अनुस्मारक आपको 10 अंक का क्वेश्चन है, 100 शब्दों में आपको ये लिखना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर की ओर से समस्त जिला वन संरक्षकों के नाम एक परिपत्र लिखें जिसमें जुलाई माह में जिला स्तर पर सघन पौधारोपण अभियान चलाए ने का उल्लेख किया गया हो, तो ये पत्र आपको लिखना होता है। तो ये था दोस्तों हिंदी का अपना जो पेपर था वह है। अगला क्वेश्चन है यह निम्नांकित अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए, मैन इज द इमेज ऑफ गॉड, ही सिंबलाइज हिज इन्फिनिटिव ब्यूटी गॉडनेस ग्रेस ऑफ ब्यूटी एंड माइंड, ही इज हिज अर्थली सिंबल हिज इमेज ऑन अर्थ एंड ही वो इज होनेस्ट इज द नोबलेस्ट ऑफ गॉड्स वर्क, होनेस्टी इम्प्लाइज सेक्रीफिस ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रूथ और सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, अर्नेस ऑफ पर्पज डिवेशन ऑफ हाई आइडियाज आइडल्स वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमिनिटी एंड होनेस्ट मैन इज प्रिपेयर टू वियर द क्राउन ऑफ थ्रोन्स एंड सफर मार्टिरडम फॉर द ग्लोरी ऑफ द गॉड एंड फॉर द एस्टेब्लिश गॉड किंगडम ऑन दिज अर्थ, ही इज नोबेलिस्ट हैंडीवर्क ऑफ ए गॉड। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करके आपको लिखना है। मेरी इंग्लिश आपको समझ में शायद नहीं आई हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, प्यूज करके पढ़ सकते हैं। अब आ गया पार्ट सी, तो हिंदी का जो पार्ट सी है वह 20 नंबर का है। तो टोटल क्वेश्चन है वह देखते हैं,
तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। यह है राजस्थान में पर्यटन विकास के नए आयाम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज, भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता, उपादेयता और संभावनाएं। तो ये दोस्तों पार्ट सी है और पार्ट सी के बारे में आपको 20 अंक का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको एक निबंध आपको लिखना है। तो ये हमने हिंदी का जितना भी दोस्तों सिलेबस था, पार्ट था, वह संपूर्ण हमने आपको करवा दिया है। तो हिंदी का दोस्तों पार्ट आपको कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। यदि आप कहेंगे तो हम इंग्लिश का पार्ट भी अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आ जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।